हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो लॉ है डी मॉर्गन्स के। इससे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रूफ करना है कि ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन क्या है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम लोग का दिया हुआ ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जो है गिवन कंडीशन है। और प्रूफ क्या करना है कि ए बार और बी बार इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है हम लोग को ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको प्रूफ करना है हम लोग को। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यहाँ डी मॉर्गन्स का फॉर्मूला है। तो चलिए नंबर वन फार्मूला को अप्लाई करते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको वन माइनस करके लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को इसके फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, यानी कि वन माइनस इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया। अब अगर हम इसको माइनस से इंटू कर दे तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये प्लस ए इंटरसेक्शन बी। हम लोगों यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ लिख देंगे यूजिंग, इसको वन मान लेंगे अगर, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग वन। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग कॉमन लेंगे, जैसे कि ये वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक साइड लिखे हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर कॉमन लिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें से हम लोग वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जानते हैं कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोग बोल सकते हैं वन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि ये प्रूव हो गया है, मतलब अब लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग का जो था प्रूफ करने का था, यहाँ पे जो प्रूफ करना था, और ये यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिए हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ से। तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।